हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स मैं हूं स्वाति आपकी इंग्लिश एजुकेटर हम पढ़ रहे हैं क्लास सेवन की गुलमोहर बुक का लास्ट यूनिट विच इज़ द प्ले रिटन बाय विलियम शेक्सपियर और ये जो प्ले है ये हम ऑलरेडी जो है इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर चुके हैं हमारे प्रीवियस वीडियो में जहाँ हमने देखा कि जितने भी आर्टिसन्स हैं वो प्ले की तैयारी कर रहे हैं एक फॉरेस्ट के क्लियरिंग के पार्ट में और वो लोग वहाँ पे किस तरीके से सब किसी को भी एक्टिंग नहीं आती है किसी को भी इसमें कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन बहुत इनोसेंटली वो लोग जो है प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं और तभी वहाँ पर पक आ जाता है और पक वहाँ पे आके जो है वो वहाँ देखता है कि कौन है जो इस तरीके से थीमस को और इस तरीके से जो है मतलब ये सारे मतलब प्रियमस और थबी के जो ये प्ले है इसको किस तरीके से कौन प्ले कर रहा है वो ऐसे देख के जाता है उसके दिमाग में कुछ मिस्टीवियस सब भी आता है तभी क्या होता है जो वहाँ पर जो क्वीन है ठीक है अभी यहाँ पे जो बॉटम जब आता है बॉटम के सर पे उसमें जोंकी का फेस लगा हुआ होता है तो यहाँ पे इसमें आपको देखो अगर ये वाला आपको याद हुआ होगा तो टाइटेनिया जो क्वीन है वो जाग जाती है और जैसे ही वो जागती है सबसे पहले उसके सामने कौन होता है बॉटम होता है जिसके सर पे गधे का सर लगा हुआ होता है तो वो क्या बोलती है व्हाट एंजल इज दिस हु इज वेकिंग मी अप फ्रॉम माय बेड ऑफ फ्लावर्स क्योंकि जो बॉटम गाना गाता होता है तो वो बोलती है कि कौन है ये जो जो मुझे मेरे फ्लावर्स से जगा रहा है। है, है, no तो वो बोलता है, Please, तब वो बोलता तब उससे बोलती क्योंकि जो तुमने स्वीट ह्यूमन अब वो तो फेरी होती है तो वो बोलती है प्लीज ह्यूमन तुम मेरे लिए गाना फिर से गाओ आई लव टू लिसन टू योर वॉइस एंड आई लव टू लुक एट योर बॉडी मतलब तुम कितना अच्छा गाना गा रहे हो तो मुझे तुम्हारा तुम्हारी आवाज़ और तुम्हारी बॉडी दोनों बहुत अच्छी लग रही है इट इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव एवर सीन यू मैं जानती हूँ कि मैं तुमसे पहली बार मिल रही हूँ लेकिन तुम इतने वंडरफुल हो कि आई स्वेयर आई लव यू बॉटम मी मिस्ट्रेस यू शुड हैव लिटिल रीजन फॉर दैट एंड येट टू से द ट्रुथ रीजन एंड लव हार्डली कीप कंपनी टूगेदर नाउ अ डेज The more the pity that some honest neighbours will not make them friends. Nah, I can gleek upon occasion. Ab isme wo kya kena bottom? I don't think you have got much of a reason to love me. Me thinks mistress. यू शुड हैव लिटिल रीज़न फॉर दैट उसने बोला मुझे नहीं लगता आपके पास कोई भी रीज़न है मुझे प्यार करने का बट टू टेल यू द ट्रूथ लेकिन अगर मैं आपको सच्चाई बताऊँ रीजन एंड लव है वेरी लिटिल टू डू विथ ईच अदर रीजन आज कल जब दो लोग आपस में प्यार करते हैं तो रीजन समझ में नहीं आता रीज़न और लव मतलब दोनों आजकल साथ में नहीं चलते इट्स टू बैड सम म्यूचुअल फ्रेंड ऑफ देस डजेंट इंट्रोड्यूज दैम तो so, ये बहुत ही गलत बात है कि जो है ना कुछ जो म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं उनके वो दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस नहीं करते हा हा नो आई एम जस्ट किडिंग अब वो बोलते हैं मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा हूँ टाइटानिया बोलते द आर्ट इज़ वाइज एज द आर्ट ब्यूटिफुल तुम उतने ही वाइज हो उतने ही समझदार हो जितने तुम ब्यूटिफुल हो बॉटम नॉट सो नीदर बट इफ आई हैड विट इनफ टू गेट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड आई हैव इनफ टू सर्व माई ओन टर्न उसने बोला नहीं ये सच नहीं है बट इफ आई वॉज स्मार्ट इनफ टू गेट आउट ऑफ दिस फॉरेस्ट लेकिन अगर मेरे में इतना इंटेलिजेंस होता कि मैं इस फॉरेस्ट से निकल जाता आई वुड बी वाइज इनफ टू सेटिसफाई माई सेल्फ तो मैं जो हूं बहुत खुश हो जाता टाइटेनिया आउट ऑफ दिस वुड वो नॉट डिजायर टू गो दाउ शेल रिमेन वेदर दाउल I am a spirit of no common rate the summer still doth tend upon my state and I do love thee therefore go with me I will give the fairies to attend on thee and they shall fetch thee jewels from the deep. अब वो क्या बोल रही है out of the wish do not desire to go मतलब तुम यहां से जाने की बात मत करो सी don't bother wishing you could leave this forest because you are going to stay here whether you want to or not तुम चाहो या नहीं चाहो अब तुम्हें मेरे साथ यहीं रहना पड़ेगा

बेड ऑफ फ्लावर्स और वो लोग तुम्हें लोरियाँ सुनाएंगे जब तुम फ्लावर के बेड पे सो रहे होगी एंड आई विल टर्न यू इन टू अस और मैं तुम्हें अपने जैसा एक फेरी बना दूंगी सो यू डाई एज टू तो तुम्हें कभी मरना भी नहीं पड़ेगा कम यू पीस ब्लॉसम ब्लॉसमेब मॉथ एंड मस्टर्ड सीड तो तब वो अपने सारे जो सर्वेंट्स हैं उनको बुलाती है तो ये सारे सर्वेंट्स उनके आ जाते हैं फोर फेरीज पीस ब्लॉसम कॉबवेब मॉथ एंड मस्टर्ड सीड एंटर पीस ब्लॉसम रेडी एंड आई मीट यू एंड आई मीट यू तो सब बोलते हैं हा हम सब लोग रेडी हैं तो यहां पे ये है बॉटम और ये है वो फेवरी मस्टर्ड सीड एंड आई and me too where shall we go where should we go उसने पूछा हम कहाँ jaye titania be kind and courteous to this gentleman hop in his works and gamble in his eyes feed him with apricots and dew berries with purple grapes green figs and mulberries. not to him else, and do him courtesies ab wo queen kya bolti hai be kind and polite to this gentleman फॉलो हिम अराउंड वो जहाँ जाए उसके साथ जाओ लीप एंड डांस फॉर हिम उसको जो है उसके एंटरटेन करो उसको फीड हिम एप्रिकॉट्स एंड ब्लैकबेरीज उसको अच्छे अच्छे फ्रूट्स खिलाओ विथ पर्पल ग्रेप्स ग्रीन फिक्स एंड मलबेरीज खिलाओ उसको स्टील हनी फ्रॉम द बंबल बीज मतलब जो एक्चुअल हनी होता है रियल हनी वो निकालो एंड मेक कैंडल्स ऑफ द बीज वे बीज वैक्स और उन उस बी के वैक्स का कैंडल बनाओ लाइट देम विद लाइट ऑफ ग्लो वॉर्म्स सो माई लव विल हैव लाइट व्हेन ही गोज टू बेड एंड वेक्स अप, और ये जो सारी कैंडल्स हैं इनको जुगनू जो होते हैं उनसे जला ताकि जब मेरा प्यार है जो बॉटम की बात हो रही है जो मेरा प्यार है जब सोने जाए तब वहां पे थोड़ा उजाला हो pluck off कलरफुल butterfly wings and use them to fan मून away from his eyes as he sleeps. स्लीव so सो ये जो कलरफुल जो butterfly होते हैं उनके wings निकाल के उससे इसे हवा करो ताकि इसके चेहरे पर कहीं कोई जो है मतलब you know किसी भी तरीके का कोई uh, इंसेक्ट ना आ जाए ब्लो टू बो टू हिम फेरीज एंड करसी टू हिम इसके सामने झुको और इसके सामने अपनी करसी शो करो पीस ब्लॉसम हेल मोटल वो बोलती है हेलो मोटल मतलब हेलो ह्यूमन सब बोलते हैं हेल सब हेलो 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 करते हैं बॉटम आई क्राई योर वर्शिप्स मर्सी हार्टिली आई योर बिज नेम वो बोलता है आई बैग योर पार्डन प्लीज टेल मी योर नेम सर तो वो बोलते हैं कि बॉटम बोलता है ये सब तो ठीक है आप हो कौन सो so, कॉपवेब बोलती है मेरा नाम कॉपवेब है बॉटम आई शेल डिज़ायर यू ऑफ मोर एक्टेंस गुड मास्टर कॉफ़ वेब इफ़ आई कट माई फिंगर आई शेल मेक बोल्ड विद यू योर नेम ऑनस्ट जेंटलमैन सो उसने बोला आई वुड लाइक टू गेट टू नो यू बेटर मिस्टर ऑफ वेब उसने बोला मैं आपको ज़्यादा अच्छे से जानना चाहता हूँ इफ़ आई कट माई फिंगर आई विल यूज़ यू एज अ बैंडेज टू स्टॉप द ब्लीडिंग अगर मैं अपनी फिंगर काट दूँ तो मैं तुम्हें एज अ बैंडेज यूज़ करूंगा एंड योर नेम सर तो वो बोलती है पीस ब्लॉसम

Good Master Mustard Seed, I know your patience well. That same cowardly giant like ox beef hath devoured many a great gentleman of your house. I promise you your kindred hath made my eyes watery now.

मुझे पता है बहुत सारे लोग ना आपको जो है बघार लगा के खा लेते हैं आई स्वेट यू many members ऑफ योर मस्टर्ड फैमिली हैव मेड my आईज वाटर बिफोर और मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों के आपकी फैमिली के बहुत सारे लोगों की वजह से मेरी आंखों में आंसू भी आए हैं आई लुक फॉरवर्ड टू गेटिंग टू नो यू बेटर मिस्टर Mustard Seed, और मैं चाहता हूँ कि मैं आपको और भी अच्छे से जानूँ अब इसके बाद टाइटानिया Come, wait upon him. Lead him to my bower. The moon, methinks, looks with a watery eye, and when she weeps, weeps every little flower, lamenting something too. सो so, वो अब टाइटेनिया कहती है इनका अच्छे से ख्याल रखो और इनको जो है मेरे स्लीपिंग एरिया में लेके आओ आज मुझे मून बहुत सैड दिखाई दे रही है और जब मून जो है दुखी होती है या मून रोती है तो सारे जो छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं वो भी रोते हैं कीप माई लवर क्वाइट उसने क्या बोला कि मेरे जो मेरा जो लवर है उसको क्वाइट रखो एंड ब्रिंग हिम टू मी इन साइलेंस उसको मेरे पास चुपचाप लेके आओ दे ऑल एक्सिट एंड दिस पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट वाज़ फ्रॉम अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम बाय विलियम शेक्सपियर तो यहाँ पे हमने सिर्फ एक्ट थ्री सीन वन देखा है ये एक छोटा सा सीन है इसके पहले क्या होता है इसके आगे क्या होता है तो नाउ दिस इज लाइक अ ब्यूटिफुल नॉवल इफ यू वॉन्ट यू कैन रीड इट कंप्लीटली हियर वी आर डन विद द एक्सप्लेनेशन पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द एक्सप्लेनेशन आई सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो वे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्वेश्चन आंसर्स

Question answers and the grammar solution of this chapter. Take care of yourself. Bye bye.